एक्टर ने मणिकर्णिका के मेकर्स पर लगाया आरोप। ट्रेलर रिलीज हो गया लेकिन अभी तक नहीं मिले पैसे। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका का ट्रेलर 18 दिसंबर को रिलीज हो गया। ट्रेलर को दर्शकों के मिले जुले रिव्यू मिले हैं। किसी को ट्रेलर पसंद आया तो किसी ने खराब VFX का हवाला देकर इसे फ्लॉप करार दिया। ट्रेलर के बाद ये फिल्म एक नए विवाद में फंसती नजर आ रही है। दरअसल एक्टर एंडी वॉनिच ने प्रोड्यूसर पर आरोप लगाया कि उन्हें अब तक इस फिल्म में एक्टिंग करने के पैसे नहीं मिले हैं। एंडी वॉन ने फिल्म में एक अंग्रेज अफसर का किरदार निभाया है। एक्टर ने ट्वीट में निराशा जताई कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है लेकिन अभी तक उन्हें सारे पैसे नहीं मिले हैं। बता दें कि यह एक बिग बजट फिल्म है। इससे पहले भी मणिकर्णिका विवादों में फंस चुकी है। आधी शूटिंग हो जाने के बाद सोनू सूद ने इस फिल्म को छोड़ दिया था। इसके बाद सोनू के किरदार के सारे सीन दूसरे एक्टर से दोबारा शूट करवाए गए। फिल्म का 70% निर्देशन कंगना रनौत ने किया है। कंगना को निर्देशन का कोई अनुभव नहीं है। खबरों के अनुसार फिल्म के डायरेक्टर कृष्ण किसी और फिल्म में व्यस्त थे, इसलिए मणिकर्णिका का निर्देशन कंगना को करना पड़ा। सोनू सूद को ये फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला ले लिया। फिल्म के प्रोड्यूसर कमल जैन और निशांत जैन हैं। यह फिल्म 25 जनवरी 2019 को रिलीज होगी। फिल्म में जीशु सेन गुप्ता, अतुल कुलकर्णी, सुरेश ओबेरॉय और अंकिता लोखंडे ने भी अहम भूमिका निभाई है।